दिसंबर पुलिस ने प्रेमिका से संबंध के शक में युवक की हत्या का खुलासा करते हुए खूनी प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मृतक युवक को आरोपी युवक ने इसलिए चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसको शक था कि मृतक युवक की उसकी प्रेमिका से संबंध है, इसलिए उसने उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि 30 जुलाई को थाना हयात नगर इलाके में एक बगीचे में फिरोज आलम निवासी ग्राम जनेता थाना बनिया ढेर का खून से लथपथ सब मिला था। मृतक के शरीर पर 35 से भी ज्यादा चाकुओं से किए गए हमले के निशान थे। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी थी। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को सफलता मिल गई और पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि आरोपी के फरमान को शक था कि मृतक युवक फिरोज आलम के उसकी प्रेमी से संबंध थे, इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने दूसरे साथी शाहरुख के साथ मिलकर फिरोज आलम को चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को 24 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 24 घंटे के अंदर हुई एक बीभत्स हत्या का खुलासा किया गया है। आज हमारे यहाँ ग्राम जनोटा जो थाना बनिया ठेर में पड़ता है, इसमें एक व्यक्ति की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई थी। लगभग 35 घाव उस पे थे और बहुत ही बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई थी। ये जब पकड़े गए हैं दोनों व्यक्ति तो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जो इसमें मुख्य अभियुक्त है फरमान, उसका किसी लड़की से संबंध चल रहा था, जिसमें इसको ये महसूस हुआ कि जिस जो मृतक है उसका भी उस लड़की से संबंध है, तो ये ट्रायंगल का मामला था जिसमें इसको बार बार दिक्कत हो रही थी आपस में कोरिलेट करने के लिए। तो इसने क्या किया कि एक अपने शाहरुख साथी से मिल करके एक प्लान बनाया कि क्यों ना उसको जो इसमें दिक्कत कर रहा है इसके संबंधों में उसको ठिकाने लगा दिया जाए। तो इसका जो शाहरुख साथी था वो चाकू खरीद के लाया और प्लानिंग बनाया कि इसको आज रात को, मतलब कल जो 30 की रात थी उस दिन रात में ले जा करके कहीं लड़की को मिलाने के बहाने बुलाएंगे और वहाँ ले जा करके इसकी हत्या कर देंगे। इन लोगों ने प्लानिंग बनाई इसके बहनोई के घर पर बैठ करके, उसके बाद वहाँ से इन लोगों ने एक इस लड़के को फ़ोन किया, फिरोज को बुलाया वहाँ पे फ़ोन करके, और उसके बाद ये दोनों लड़के शाहरुख और फरमान उसको साथ में लेकर के बाग में गए। वहाँ पे चाकुओं से गोद करके पहले इन्होंने एक दो बार किया तो वो छटपटाने लगा, इसमें इन्होंने लगा कि कहीं वो बच ना जाए, इस उसमें काफ़ी सारे घाव किए उसके शरीर पे, लगातार वार किए और लगभग 35 वार थे उस पे बॉडी पे उसके, उसको इन्होंने हत्या कर दी और उसके बाद वहाँ से ये फरार हो गए। पूछताछ में ये दोनों ने बताया कि इन्होंने जघन्य हत्या किया है, अब गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई की जाए। संबल से प्रिंस ठाकुर की खास रिपोर्ट।